आज सवेरे सवेरे थॉट पता की आया मैनू, अमीर कौन है तो गरीब कौन है? जेड़ा किसी नू रोटी खवा पा रहा है वह अमीर है, ठीक है ना? जेड़ा रोटी मंग के खा रहा वह गरीब है। बस गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। किदा सारी टाइम तो बहुत हो गया, वैसे टाइम मेरा बहुत ही हो जाता हूँ, रात यार नींद नहीं आई तो करके अच्छ लेट हो गया। एंड तो हूँ सब्जी सुब्जी भी नहीं बनी हैगी कोई, बाहर ही जाके खा के आना पैना। चलते हैं देखते बार भटूरे खा के आने, एक एक चीज़ अपने चलते हैं, थोड़ा जा रेडी हो जाइए फिर चलते हैं। ओके सो गाइस, आप रेडी हो गए हैं, ठीक है, तो चलते हैं हम खान बाहर, क्योंकि अच्च आप बना नहीं सकते कुछ, टाइम बहुत हो गया था, सब्जी सुब्जी बननी ही है इन टाइम नहीं तो सारा दिन सब्जी जी लंघ जूगा। रुमाल बांध लो गले में टांग रखा, बिल्कुल मफा मवाली की तरह खाली होए। घेंट सी यार, बढ़िया है ना? लस्सी भी घेंट सी, परौठे भी घेंट सी, रोटी भी घेंट सी, ओनू घेंट लस्सी मैंने सब तो घेंट लगी, मतलब जेड़ी हुंदी ना पिंडा च मिलदी है वो वाली सी, डुप्लीकेट जी नहीं सी, बढ़िया सी, घेंट सी, एक फेस सा भाई खा के देखियो। सो गाइस आप रोटी खा ली हूँ तो बस हम निकलते हैं, आप रोज फेस्ट पर जाके देखते हैं की माहौल है उत्थे, है ना? तो जल्दी जल्दी निकलते हैं जाके बस। सो गाइस फाइनली आप जा रहे हैं फिर तो रोज़ फेस्टिवल, सर नू मिल, सिकंदर सर नू मिल, ठीक है, क्योंकि कल जाके आया मैं तो अज फिर मतलब मन कर रहा वा फिर जाके मिला उस संगत च बैठा, है ना? तो उस करके जिन्हें फिर भी चलूंगा तो मैं जाऊँगा जाऊँगा, मसा मसा मौका मिलता है गलत तो करन दा, मिलन दा, बहाने नाल, ठीक है, तो जाना चाहिए। सो गाइस ये सी दोनों पेंटिंग सर ने जो बनाई हैं, एक्रैलिक कलर च बनाई ने, ठीक है, तो अमेजिंग यार, क्या बात है, सिर लगाया पाया।
ब्यूटीफुल गाइस, इस कंधे सर ने बनाया है वाटर कलर सर सामने। गाइस सर सामने जो स्टैचू पे हुआ सामने वो कॉर्नर दिख रहा हुआ ये तो बना रहे हैं। ओके तो अमेजिंग डेमो सी क्विक स्केच कहते हैं ना तो मतलब एकदम तो जल्दी जल्दी लो अज हूँ हने बनाने जल्दी जल्दी यार अमेजिंग एनर्जी कैंट जमा एंड लाता अमीर कौन है गरीब कौन है जेड़ा किसी नूं रोटी खवा पा रहा है वह अमीर है ठीक है ना जेड़ा रोटी मंग के खा रहा वह गरीब है बस हुण उहदे च किन्ने पैसे का मतलब ही कोई नहीं साढ़े घर जो कम वाली आ रही है दुनिया की नज़र तो लगता वो फाइनैशियली गरीब है पर वो आपका घर चला रही है किन्ने परिवार का ढिड पाल ले पाल रही है वो बहुत अमीर है भाई समझा ना अमीर पैसे दिल से होता सर हाँ नहीं तू सोच भी गरीब वो है जिन्हों रोटी मंगनी पै रही है मैं दे है ना भी मैं रोटी का कोई करो जो रोटी दे रहा कि खवा रहा वो बहुत अमीर है। आप ही एक छोट बताऊँ बहुत पहले गए थे आपने बोला कि एक भिखारी को आप अगर देते हो कुछ तो ये मैं सोचूं कि आप वो क्या करेगा हाँ क्या वो उसकी है वो प्रॉपर्टी उसकी है क्या करेगा क्या नहीं करेगा खाए चाहे पिए कुछ भी करे बस आपका काम देना है वहाँ पे अगर आप उससे कनेक्टेड रहे इसका मतलब आपने दिया ही नहीं है अभी आप हक जता रहे हो हक जता रहे वो हक कट ऑफ हो जब उसके बाद चलेगी उसकी प्रॉपर्टी। अब मैंने एक पेंटिंग दे दी अब वो आपके पास थोड़ी घूमता रहेगा भाई आपने पेंटिंग दी है तो आप ही कुछ इसका करो उसकी जिम्मेदारी अब उसके पेरेंट्स ने शादी करके ये मुझे दे दी कि हाँ भाई ये आपकी है तो ध्यान रखना मेरा फर्ज है अब उनका नहीं है ये तो है ही अलग अब मेरे घर वालों ने इसके हवाले कर दिया भाई तूने ख्याल रखना तो वो ऐसी अलग एक और चीज़ है एक और चीज़ फिर एक चीज़ और नोट कर ले फिर अगर सीखनी है तो कभी भी देने के बाद ना किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो दुआ भी दे क्यों क्योंकि जब आपने किसी हेल्प की ना आपको एक चीज़ रिटर्न उसी वक्त मिल गई अंदर से एक सेटिस्फेक्शन कि मैंने एक अच्छा काम किया और रिवार्ड कौन सा ढूंढ रहे हो लोग कहते हैं भाई मैंने तुझे पैसे दिए कुछ अच्छा दुआएं तो दो भाई दुआएं क्या देने पर डबल आप एक बार पे कर रहे हो दो बार ले रहे हो पहले अंदर से खुशी ले ली फिर उससे दुआएं ले ली सही है एक चीज पे करो तो एक ही लो फिर मैं पता नहीं मैं एक अर्थ में जाता हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ वहाँ जाके जो मुझे मिल रहा है ना वो मेरे लिए बहुत यहाँ भी तो यही हो रहा है लोगों को लगता है कि हम उनके लिए करें मैंने लोगों से कितना कुछ लिया मैंने बताया थोड़े दिन पहले मेरे सीनियर ने मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया
हमें मिलने नहीं दिया लोगों ने। तो जब मैं उनसे मिला तो भाई मैं उनके साथ ही रुका है कैंप में जलंधर में। भाई सुबह 5:30-6 बजे उठ के कहते मैं आ रहा हूँ, तो मेरे लिए चाय लेके आए। भाई सीनियर थे मेरे कम से 8-10 साल, तो मेरा दिल तो छू गई बात। भाई सीनियर ये भी कह सकता है भाई जूनियर चल उठ के यार जा चाह पी या मेरे लिए ले। सो जेड़ा रिश्ता है ना वो प्यार दा हुंदा, ऑर्डर भी देख के नहीं कम हुंदे गे। जो प्यार नहीं जितया हुंदा प्यार नहीं जितया हुंदा। जी तो जी सर, मैंने तो सर आपसे कला सीखी है, जो थॉट प्रोसेस है ना कि कैसे सोचते हो कैसे करना चाहिए कैसे आप सामने वाले को देखते हो यहाँ पे ना। चलो हमने ये चीज़ें बहुत सीखी है, ये चीज़ तो है ही है। हमने आज एक अच्छा मतलब चलो मैं शेयर करता हूँ तुझसे, एक अच्छा काम किया अपनी खुशी के लिए। तो ये मुझे कैसे पता चला कि ये बंदे कहाँ से आए हैं? पहले तो इसने कल सीखा कि मेरी एक स्टूडेंट कल खाना बना के लेके आई 10 बंदों का, और यहाँ हमने सरप्राइज हो गए 10 बंदों का अकेली खाना बना के लिया, और वो रह भी एक अकेली रही है पीजी में। फिर इससे भी अच्छा लगा तो आज ये भी बना के लेके आई और वो भी बना के लेके आई। तो हमने फिर प्लान किया जितने भी ये 4 लोग आए हैं इनके साथ ही खाएंगे आज हम। इनके साथ हमने आधा घंटा बैठ के खूब बातें की, कहाँ से हैं, क्या नाम है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हमें अब देखो उनको पता नहीं याद रहे ना रहे, हमें याद रहेंगे वो हमेशा। मैंने कल वहाँ पे जीएलपी देखा नहीं छोटी, मुझे नहीं पता था यार फेस्टिवल भी होगा। मैंने सोचा देगा रास्ता देगा, मैं कल तो मैं जाऊँगा पक्का, कल मैं यहाँ दोपहर का निकला हूँ। पहले तो पूरा रोजगार मिल गया मुझे कहीं मिले नहीं। फिर मैं वहाँ गया कदम मिला करो वो तो यहाँ पे। अच्छा फिर मैं वहाँ पर चलो यही लाइफ है। हम उन्होंने जिस मेला लग्या होंगे ना घट्टो घट्ट उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये कमा लेने। कल भी मैं तेरे तो भी लाए थे पैसे, असं कल 500 रुपया मैं बच्चों ने लिया 50-50 रुपये कटो, अपन कोई फर्क नहीं मिलता है इन्होंने दो भी ये कुछ अर्न इन्हें लगे भी हाँ कुछ अर्निंग हो रही है अज अर्निंग कर रहे हैं। कदम कदम होंगे भी सू आप आए हैं मैं तो 12-15 हज़ार रुपये लेके जाने तो मैं सोचू उन्होंने 10 हज़ार दिता मैंने की फर्क पड़ा। बड़ा प्यारा बंदा सब तो गेट बंदा दिल जित लिया रिपोर्टर है फोटो कर उधर उधर जंगल में शेर ऐसे लगे एक्सप्रेशन जबरदस्त है। बन गया।
ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਇਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟ 'ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਲਾਈਵ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਫ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਯਾਰ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਚਾ ਮਾਣੀ ਥੱਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਆਰਟ ਵਰਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਰਟ ਵਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਯਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਿ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆਰਟ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬੋਲਦਾ ਵੈਸੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉਹ ਰੱਖਤੀ ਐਗਜੀਬਿਟ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੋ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾਟਰ ਕਲਰ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2-3 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਬਸ ਕਰੋ ਸਰ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿਆ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਗਾਈਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਓ ਸੋਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਨੀ ਸੀ ਆਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਦਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਐਨ ਵਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋ। ਓਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਕਰ।